हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो, हाँ कौन? अनवर सिंह चौधरी। एक मिनट भाई, मैं हेलो, ऑफिस के बाहर, एक मिनट भाई ऑफिस के बाहर आ जाऊँ। हाँ कौन बोल रहा? अनवर सिंह चौधरी। हाँ, अनवर हुसैन कादरी, मुनाजिरे इस्लाम, नन्हे सेल्फी। अरे अरे अबे हराम खोर, बेरुखिए, तुम कहाँ पे था इतना ले दे दिए? देखो यार, हाँ नंबर तुम्हारा हमने असल में मार दिया था ब्लॉक। अरे, अंग्रेजों की अभी पढ़े तो मेरा आ। फोन हाँ फॉर्मेट हुआ है ना, हो सकता है वो तो हट मेरी गया हो बात सुन। ब्लॉकिंग से। और अरे बात बेटा मेरे क्या हाल बात है? तो सुन। अरे तो आज चल छोड़ अपना, बता तू हराम खोर किधर था तू? मतलब यार, हम सोचे थे अब तक तुम अच्छे हो गए होगे, सुधर गए होगे, लेकिन यार तुम कल अरे की साले, बदतमीज से आज की बदतमीज। तुम लोग तो सुधरो साले, हम लोग को तुम सुधारने चले हो। हाँ अच्छा ये बताओ, और तुम ये हो कौन? पहले अपना असली नाम बता के बात करो। अनवर हुसैन कादरी हो या नैने सेल्फी हो? अनवर हुसैन का मेरे तो ये नन्हे कौन है? को क्या पता है कौन है। यार तो भाई, मैंने तुम्हारी ऑडियो सुनी है, तुम बात कर रहे थे किसी अपने जमात के भाई से, तो तुमको वो मतलब हड़का रहा था, गरिया रहा था। अबे मतलब तुम्हारी जमात वाले तुमको नहीं छोड़ते हैं? छोड़ो वो सब बात छोड़ो, तुम लोग अंग्रेजों के पैदवार हो, तुम लोग अंग्रेजों के जमाने से आए हो, उन्हीं के दौर के पैदवाइश हो तुम लोग। अरे भाई, ये सब क्या मुगलतेबाजी वाली बात करते हो? तो कोई इल्मी बात करना हुआ करे तो फोन किया करो क्या भाई। इल्मी अप्पू बात खान है बरेलवियों का दूल्हा भाई है। तुम लोग इल्मी इल्मी बात बनेगा, तुम लोग का औकात हैसियत है? तुम लोग आराम खोर, तुम लोग आराम खाते खाते तुम लोग अरे का भाई भाई, आराम तो ठंडे हो जाइए। आप इतना मतलब क्या गर्मा गर्म ठंड है क्यों भाई? जाते ठंड हैं? ठंड ठंड तुम लोग के बासी का ऐसा होता है, नहीं, तुम लोग इतनी अंग्रेज बातें की करते औलाद हो चलिए तुम लोग। ठीक है, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। तो इत्मीनान से बात करो यार, कितने दिन बाद फोन हाँ किए हो, सुकून से बात करो। कोई ऐसा नहीं है, बात क्या फायदा अभी दुम पे सही। तुम्हारी पैर मार दे, तुम फड़फड़ाने लगो, पर है ना? पढ़ाना पर पढ़ा साले, तू पर पढ़ाएगा, तू और तू पर पढ़ाएगा, चलो अभी पता चल जाएगा। देखिए, इतना टाइम अंग्रेज के लेता है? दौर में अंग्रेज की औलाद। चलिए देखो, पहली चीज तो ये है, क्या सबसे पहली चीज तो ये है कि अहले हदीस भाई अंग्रेज के दौर में आए हैं, या जो ये बरेलवी हाँ देवबंदी कादियानी नहीं है, नहीं ये नहीं अंग्रेज अरे हदीस के दौर आए में हैं आए? अंग्रेज के दौर में, अंग्रेज के दौर में हदीस आए हैं लोग। हाँ अच्छा चलो ठीक उन्हीं है, लोग का कुछ कुछ चलो अंग्रेजों इसी पे ने बात कर कुछ ले। तो दम है बात करने का तुम्हारे? क्यों नहीं, तुम्हारा दम नहीं है बताओ नहीं तो अगर बात वाकई करेंगे आप ना। भाई इतने बड़े इल्म वाले हैं, इल्म आपने हासिल किया है, तो क्या आप इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये बरेलवी देवबंदी कादियानी ये अंग्रेजों के दौर की पैदाइश है, या अहले सुन्नत अहले हदीस, इस टॉपिक पे बात पहले करना है? हदीस। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बताओ भाई, क्या मतलब क्या तुम्हारा एतराज क्या है? कौन हमारा अंग्रेज की ऐतराज औलाद है, कौन अंग्रेज के दौर में आया? तुम लोगों उसमें कहने की बात क्या, सारी दुनिया जानती है। हाँ सारी दुनिया तो बहुत कुछ जानती है भाई, अब के सारी दुनिया को इज्जत बना ले। तुम अल्लाह बताओगे सुबहान हमको तआला ना। कहता है वो नहीं जानते, तो वो कौन है? वो दुनिया वाले तो हैं जो नहीं जानते, यानी कि हक, क्या जो हक बात होती है भाई, वो दुनिया वाले थोड़ी ना जानते हैं, वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। जो उन्होंने बता दिया सारी वो से हमको पहले बात मानना है, सुनो, पहले वही बात हक है। पहले बात सुनो पहले बात सुनो। सारी दुनिया जानती है कि तू कुछ हिंदुस्तान मतलब कुछ दुनिया में अंग्रेजों ने आए और अंग्रेजों को कुछ दुनिया में पैदावार किए, मतलब उन लोग का कुछ ऐसा कारतूत पैदावार है तो, जो अबे मतलब चुप ए भाई, भूल बच्चन बनकर सुन मेरी बात, ठीक? पहली बोलना। चीज तो अंग्रेज की औलाद होना क्या मेरे भाई दीन इस्लाम में हराम है? अगर कोई क्या अमेरिका देख का, कितना है ना लंदन वो, का, अगर कोई देख अंग्रेज है, कितना है ना इंग्लिश वो। बोलने वाला है, अगर उसकी कोई औलाद पैदा होती है और अकीदा उसका तौहीद का है, नमाजी है, कुरान को पढ़ता है, अल्लाह के नबी की भाई वो तालीम पे अमल करता है, तो क्या मेरे भाई क्या वो हराम हो जाएगा? तो ये अंग्रेज की औलाद होना क्या मेरे भाई हराम है दीन में? पहले तो तुम इसको बताओ, अंग्रेजों के दौर में कौन आया वो तो बात का बात है, तुम अंग्रेज लोग की आए औलाद ना, होना तुम क्या हराम है? लोग आए ना, अरे वो सारी कौन आया वो दुनिया बात का बात जानती है ना, तुमने कहा ना अंग्रेजों की पैदावार, अंग्रेजों की औलाद, तो क्या अंग्रेज की औलाद होना क्या मेरे भाई हराम है, गुनाह है, क्या है ये? है। नहीं मतलब उन लोग अंग्रेज तुम के बच्चे एजेंट हो जन्नत ना, में नहीं तुम जाएंगे? लोग तो उसका एजेंट हो ना, इस वजह से हम लोग का एतराज है। अरे तुम खाली बोल बच्चन देते जो, बस एतराज आता इस ना बात जाता में है चुनाव कि जिन चाहता।
एक मिनट सुन, बात सुनो, ऐतराज इस बात का है हमको, हमारा तुम अंग्रेज की औलाद, इस बात के ऐतराज नहीं, ऐतराज इस बात के तुम उस दौर के पैदवार हो। हाँ, और ये सब तुम गुमराही फैला रहे हो, कितना फसाद फैला रहे हो। अरे यार, कितना फसाद तो मेरे भाई तुम फैला रहे हो, तुमने दावा किया, दलील तो दो। क्या चीज का दलील दो? अरे कि अंग्रेजों के दौर में आए हम लोग। बिल्कुल आए हो, नहीं कि तुम्हारे मुंह की बात मान लेंगे। सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बताओ बेटा, क्या परेशानी? आपको बेटा बोल रहा है साले। अच्छा अच्छा, तुम बाप बन गए? हाँ, वो बाप को तो बेटा बोल रहा है यार। दूल्हा भाई, भाई हमें बरेलियों के और तुम अब मेरे भाई जबरदस्ती, मतलब दूल्हा भाई से कयास करके अब बाप पे जा रहे हो। चलो, वो इल्मी बात करेगा, इल्मी बात तुमसे। हाँ, तो हासिल कर लो पहले। तू चल, तू बता, तू बिल्कुल, तू हरेज के पैदवार नहीं है। अबे ये कोई सवाल है घटिया सा? ये कोई सवाल है? तो फिर कौन सा सवाल है ये? नहीं, अंग्रेज की पैदावार, चलो फॉर एग्जांपल मान लिया कि कोई इंसान है, वो अंग्रेज की पैदावार है, अंग्रेज ने उसको पैदा किया है, ठीक। हाँ। तो क्या अंग्रेज की औलाद होना क्या मेरे भाई गुनाह है, हराम है? या अंग्रेज की औलाद जाएगी नहीं जन्नत में? औलाद होना अंग्रेज की औलाद होना, इस बात का ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात का है कि तुम लोग को अंग्रेजों ने कुछ पैसे दिए, कितना फसाद फैला रहे हो तुम लोग। हाँ, अब मेन मुद्दा आया, तो ये कहो ना कि अंग्रेज का मेरे भाई गुलाम कौन था, तलवे चाटने वाला कौन था, अंग्रेज का पिल्ला कौन था, ये टॉपिक बनाओ ना। वो ना, नहीं वो तो आला हजरत है भाई। आला हजरत है कि नहीं अंग्रेजों की एजेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। लो मेरे भाई, अजीब बात भाई, आला हजरत का फतवा है कि अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है। तो अब बताओ, आला हजरत तो तुम्हारा अंग्रेजों का एजेंट था, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी मेरे भाई जिहाद करने को, संघर्ष करने को उसने हराम कर दिया है। यानी कि अंग्रेज अगर भारत पे कब्जा कर ले और चाहे तो मेरे भाई हम लोग को गुलाम बना ले, लेकिन तब भी आला हजरत ने बिल्कुल अंग्रेजों के लिए एकदम वफादारी को भाई मतलब देखा, और वो अंग्रेजों का भेजा हुआ एजेंट था। तो उसने भाई जो भी सुन्नी थे उनमें मेरे भाई फितना लाने के लिए कह दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है। और ये आपका आता है फतावा रिजविया, उसकी जिल्द नंबर 14 में आला हजरत का फतवा है। आप जाके पढ़ो, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद हराम है। तो आला हजरत हो गया ना अंग्रेजों का एजेंट। तो तुम लोग अंग्रेजों की पैदाइश हो, तुम लोग पैदावार हो, अंग्रेजों के दौर में बरेलवी देवबंदी का दिया नहीं आए थे, और तुम तो बरेलवी हो, तो तुम्हारे जो आला हजरत है वो तो अंग्रेजों के एजेंट थे। मैंने तुम्हारे घर से साबित कर दिया, तुम लोग अंग्रेजों को पैदावार हो, सारी दुनिया जानती है। अरे सारी दुनिया मेरे लिए उज्जत थोड़ी ना है ना, दलील दो ना। हाथ पुरान को मिन तुम कुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सबूत पेश करो, ऐसे हवा में बात करने से कोई ना फायदा है। किसी से तुम पूछे हो, किसी से कोई बताएगा, तुम लोग उसी दौर के पैदावार हो तुम लोग। भैया फिर वही चीज, अहले हदीस सबसे हैं जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, और जब से अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है तब से हदीसों को मानने वाले मौजूद हैं, और जो हदीसों को मानता है उनको ही उर्फ आम में अहले हदीस कहते हैं। और अगर अंग्रेजों के दौर में अगर हम लोग आते तो आपके पुराने पीर, पीरों के पीर, जिनको आप लोग मतलब गौसे आजम कहते हैं, उन्होंने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्ला ने अपनी किताब गुनियतुत तालबीन के जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 166 में पहले बता दिया कि आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस, असाबुल हदीस। अंग्रेजों के दौर से पहले उन्होंने बता दिया। तो अगर अंग्रेजों के दौर के बाद अहले हदीस आए हैं तो पहले की जो मेरे भाई किताबें हैं उनमें अहले हदीस, असाबुल हदीस, अहले सुन्नत, अहले हक, अहले तौहीद, इनका नाम कहाँ से आ गया? लेकिन अंग्रेजों के दौर से पहले किसी किताब में तुमको बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, इन तीनों का नाम नहीं मिलेगा। ये सब अंग्रेजों के दौर के बाद आए। मुराद तो क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं जो हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जामे तिर्मिजी की हदीस है किताबुल फितन में कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर मदद आती रहेगी, और कोई दुश्मन उसको नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाएगा। और इमाम तिर्मिजी रहमुल्लाह इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद अगर अहले हदीस नहीं है तो मैं नहीं जानता कौन है।
यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, यानी कि अल्लाह के नबी के दौर से लेके कयामत तक हमेशा। ये बरेलवी ये तो आला हजरत के पैदा होने से पहले इस पूरी कायनात में थे ही नहीं, ये देवबंदी अशरफ अली थानवी के आने से पहले थे ही नहीं, ये कादियानी ये भाई ये क्या बोलते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के आने से पहले थे ही नहीं, लेकिन अहले हदीस वो हमेशा हक पे हैं, अल्लाह के नबी के दौर से तक कयामत तक रहेंगे। कौन बोल रहा है? अल्लाह के नबी बोल रहे हैं, जिसके तुम आशिक होने का झूठा दावा करते हो। मुराद तू अपने आप को लेगा? नहीं, अपने आप को नहीं लेंगे, अहले हदीस को लेंगे। अगर मैं भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल कर रहा हूँ तो मैं भी अहले हदीस हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हक पे हूँ। और अगर मैं खाली अहले हदीस का लेबल लगा के मैं अपनी अकल से काम कर रहा हूँ तो मैं अहले हदीस नहीं हूँ, मैं हक जमात नहीं हूँ। ये तो सिंपल हदीस है बिल्कुल। अरे कोई कुछ भी कहे उससे हमको कोई फर्क नहीं। चलो बेटा, तुम्हारा बैंड बज गया, तुम्हारे अहमद रजा का फतवा मैंने तुमको तुम्हारे घर से बता दिया कि आला हजरत का फतवा है फतावा रिजविया में कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है। तो उन्होंने ये फतवा देके ये साबित कर दिया कि वो अंग्रेजों के पैरोकार थे, और उनका जो कॉल है ना अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और सुन लो, आला हजरत फरमाते हैं भाई, वो उनकी जो मेरे भाई किताब है मलफूजात आला हजरत और जो मसलक की मेरे भाई किताब है हदायक के बख्शीश, इनमें आता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो बरेलवी लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो इंसानी कुत्ता थे, यानी कि कुत्ते की मिसाल थे। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो होता है वफादार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने अपने फतवे से साबित कर दिया कि वो अंग्रेजों के बहुत ज्यादा मेरे भैया वफादार थे, वो दीन इस्लाम के नहीं थे वफादार, वो अंग्रेजों के वफादार थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को मिसाल दी कि मैं कुत्ता हूँ, क्योंकि कुत्ता होता है कौन होता है वफादार होता है अपने मालिक का। तो आला हजरत का जो मालिक थे वो अंग्रेज थे, और आला हजरत अपने मालिक के वफादार थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम होने का फतवा दिया था। आप जाइए बिना मुहर्रम के मातम कीजिए, आपका मुंह काला हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई